जमीन का कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर हमला जमकर बवाल, पथराव में 5 पुलिस कर्मियों समेत 9 जख्मी। प्रयागराज के हंडिया के चक अब्दुल्ला गांव में जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस टीम पर हमला बोल दिया गया। वाहनों में तोड़फोड़ के साथ ही पथराव किया गया। इसमें 5 पुलिस कर्मियों समेत 9 लोग जख्मी हो गए। मौके से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चक अब्दुल्ला गांव में राघव प्रसाद यादव व पड़ोस के ही सूबेदार भारतीय के बीच लंबे समय से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है। राजस्व अधिकारियों की ओर से पैमाइश किए जाने के बाद इसे राघव प्रसाद की ही जमीन बताया गया। साथ ही यह भी कहा कि मकान का निर्माण सही जगह पर हुआ है। इसके बाद ही राघव अपने मकान पर छत डलवा रहा था। कोई विवाद न हो इसके लिए उसने फोर्स की भी मांग की थी, जिसके लिए नियमानुसार कोषागार में रकम भी जमा की थी। इसी के तहत दोपहर में पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। आरोप है कि निर्माण कार्य शुरू होते ही दूसरा पक्ष आ गया और काम रुकवाने लगा। वहां मौजूद राजस्व कर्मियों ने सक्षम न्यायालय का आदेश मांगा तो वह नहीं दिखा पाओ। समझाया जा रहा था कि तभी उसने अपने पक्ष के अन्य लोगों संग मिलकर पथराव शुरू कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर लाठी डंडे चलाकर वाहनों में तोड़फोड़ भी करने लगे। सरकारी वाहन में तोड़फोड़ के साथ ही एक निजी वाहन व वहां रखी कुर्सियां भी तोड़ डाली। मौके पर करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी रही। पथराव में एसआई चंद्रशेखर समेत 5 पुलिसकर्मी व राघव प्रसाद व उनकी पत्नी समेत 4 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर कई थानों की फोर्स पहुंची तो उपद्रवियों को खदेड़ा गया। इसके बाद मामला शांत हुआ। एसआई चंद्रशेखर ने तहरीर देकर 13 लोगों को नामजद कराया है। इसमें मारपीट, तोड़फोड़, लोक सेवक पर हमला व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि मौके से सूबेदार, जमेदार पिंकू, सोनू भारतिया, मोने, अनीता, लक्ष्मी, चंपा देवी, एकता, रविता, उर्मिला, रीता देवी व केसम देवी को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से मुख्य आरोपी सूबेदार भारतीय समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। चक अब्दुल्ला थाना हडिया क्षेत्र का मामला है। आज थाना समाधान दिवस के उपरांत पुलिस और राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जमीनी प्रकरण का निस्तारण प्रस्तावित था। उसके पूर्व ही विपक्षी द्वारा यहां पर मौके पर 2 पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चला दिए गए, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।